This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise. This could be good for me to find. Lately I was feeling like I had a chance for me. A purpose. Clean your memories. But when you talk to me. तो आज फ्रेंड्स हो रखा है बहुत ही अच्छे वाला क्लाउडी मौसम। रुकिए मैं आपको दिख फ्रेंड्स देखिए कितना क्लाउडी मौसम हो रखा है। देखिए फ्रेंड्स और ठंडी ठंडी फ्रेंड्स हवाएं चल रही है। देखिए फ्रेंड्स देखा आपने कितना क्लाउडी मौसम हो रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस क्लाउडी मौसम का फ़ायदा उठा लिया जाए। और मैं आपके साथ आज करने वाली हूँ एक यम्मी सी स्प्रिंग रोल, बोल लीजिए मोमोज, बोल लीजिए जो आपका मन चाहे बोल लीजिए। ये है एक यम्मी रेसिपी। तो फ्रेंड्स एक्चुअली ये रेसिपी मुझे सिखाई थी, मेरे यहाँ पड़ोस में एक दीदी रहते हैं उन्होंने सिखाई थी, और मैंने सोचा क्यों ना ये इतनी हेल्दी रेसिपी, क्योंकि मैं भी फ्रेंड्स एक मॉम हूँ और मेरे भी 2 kids हैं, और मैं यही चीज़ बनाना चाहती हूँ जो मेरे बच्चों के लिए हेल्थी हो। ऐसी अनहेल्दी कोई चीज़ मैं अपने बच्चों को नहीं खिलाना चाहती। तो फ्रेंड्स क्यों ना मैंने सोचा आप सबके साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए, और आप भी अपने बच्चों को बना बना के ये हेल्थी रेसिपी खिलाइए। क्योंकि फ्रेंड्स हम बाहर से मोमोज खाते हैं, स्प्रिंग रोल खाते हैं, और उसमें कितना मैदा होता है जो हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल फ्रेंड्स अच्छा नहीं होता। और ये जो मोमोज और स्प्रिंग रोल है, मतलब जैसे हम बनाएंगे फ्रेंड्स, इसको आप स्टीम्ड भी खा सकते हैं और इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं फ्रेंड्स। और ये बने हैं वीट से, ये आटे से बने हैं फ्रेंड्स, नहीं इसमें मैदा यूज़ ही नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। अगर आप भी मेरे साथ ये रेसिपी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, और चलिए किचन में मैं सिखाती हूँ आपको ये रेसिपी। और फ्रेंड्स आप भी अपने बच्चों को ये यम्मी यम्मी रेसिपी बना के खिलाइए, और फ्रेंड्स मेरे को पूरा ट्रस्ट है कि बच्चों को ज़रूर ज़रूर पसंद आएगी। क्योंकि मेरे बच्चों ने जो पहली बार खाई उनको तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स यम्मी लगी, और उन्होंने बहुत खुश होकर ये रेसिपी खाई है फ्रेंड्स, जो भी ये मतलब हमने बनाए हैं। तो फ्रेंड्स बाकी इसकी डिटेल मैं दूंगी आपको किचन में। तो फ्रेंड्स चलें। तो फ्रेंड्स आज मैं और एक मेरी दीदी हम दोनों बनाने लग रहे हैं चने की दाल का फारा। इसमें हमने डाली है ये साबुत वाली चने की जो दाल होती है, इसको हमने रात भर भिगो के रख लिया था पानी में, और उसमें डाले हैं हमने अदरक और लहसुन की कलियाँ और ये हरी मिर्च, और फ्रेंड्स चने की दाल। बस इसको लेने के बाद पहले हमने इसको मिक्सी में कर लेना है ग्राइंड, और इतना हमने एक पतीले में रख लेना है पानी, और पानी के साथ हमने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और नमक डाला है इसमें। और फ्रेंड्स ये बहुत ही हेल्थी स्नैक्स है, क्योंकि इसमें कोई मैदा या कोई भी ऐसी वैसी चीज़ यूज़ नहीं हो रही जो हमारे पेट के लिए अच्छी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही हेल्थी स्नैक्स है बच्चों के लिए। फ्रेंड्स ये ले लिया हमने गेहूँ का आटा, और उसकी ये बना ली है छोटी छोटी सी पूरियां टाइप, ये बना लेना है हमने। इसके बाद हम बनाएंगे इनके वो, देखो मैं अभी समझाऊंगी ना, तो इनका ऐसे बनेगा फारा। ये देखिए फ्रेंड्स इसको जो ये मिक्सचर हमने तैयार किया है इसको इसमें डाल लेना है। और इसको ऐसे जैसे आप मोमोज वगैरह खाते हैं ऐसे ही किसी भी शेप में आप इसको बंद कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये देखिए ये बॉयल्ड जो हमने बहुत अच्छी तरह पानी ये देखो खोल रहा है, और उसमें इसको बॉयल करने के लिए रख देना है फ्रेंड्स, और बाद में करेंगे हम इसको ठंडा होने के बाद फ्राई। तो फ्रेंड्स ये देखिए जब ये बॉयल होने के बाद ऊपर ऐसे तैरने लग जाएंगे तब इनको हमें निकाल लेना, और निकाल के ठंडे होने के लिए रख देना। ये देखिए फ्रेंड्स, और अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे इनमें, और ये देखिए फ्रेंड्स ये ऐसे बने हैं। जैसे फ्रेंड्स गुजिया होती है हमने वैसी वाली शेप दी है इनको, आप किसी भी शेप में इन्हें बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैं बाकी भी
इसमें डाल देती हूँ। ये सारे बॉयल अच्छी तरह हो चुके हैं और अब हम इन्हें कर लेंगे कट। ये देखिए, इनको ऐसे कट करने के बाद हमने कर देना है फ्राई। ये देखो फ्रेंड्स, अब ये फ्राई करने के बाद देखिए ऐसे बन गए हैं। अब इनको आप चाहे पुदीने की चटनी या घर में धनिए की चटनी या फिर चटनी नहीं भी बनानी है तो सॉस के साथ ज़रूर खाइए फ्रेंड्स। और जैसे हम मोमोज की चटनी तैयार करते हैं टमाटोज की, तो फ्रेंड्स उनके साथ भी आप इनको खा सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप स्टीम्ड खाना चाहते हैं, मतलब इनको उबला हुआ ऐसे ही, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत हेल्थी चीज़ है क्योंकि इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, ये जो दाल डाली है हमने ग्रेवी बना के, वो बिल्कुल पक चुकी है। और अगर इनको फ्राई करके खाना चाहते हैं तो यार रेडी। ये है एक बिहार साइड की डिश, मतलब जैसे एक चाइनीज़ डिश होती है स्प्रिंग रोल या मोमो, सेम टू सेम फ्रेंड्स ये टेस्ट में वैसे ही है। बस इसमें पत्ता गोभी नहीं भरी गई है क्योंकि काफ़ी लोग पत्ता गोभी नहीं खाते, तो इसमें है हेल्थी चने की दाल। और फ्रेंड्स इनका टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा यम्मी। ज़रूर ज़रूर फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप भी ट्राई करना। और ये फ्रेंड्स एक बाइट आपके लिए, तो फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए। किचन से मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। और फ्रेंड्स अब तो आपको पता चल ही गया है कि इस रेसिपी का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स इसका नाम है फारा। ये एक बिहारी रेसिपी है फ्रेंड्स, बट मुझे तो यकीन ही नहीं होता था पहले जब मैंने इसका नाम सुना कि कोई मोमो स्प्रिंग रोल जैसी भी ऐसी कोई हमारी इंडियन रेसिपीज। तो फ्रेंड्स इंडिया में तो मतलब कि कुकिंग के की स्किल्स सबकी इतनी ज़्यादा ही है कि वो हर मतलब रेसिपी का कुछ ना कुछ इन्वेंशन लगा लो या कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे तो ये लगी बहुत ही यम्मी रेसिपी और मेरे बच्चों के लिए भी बहुत हेल्थी और वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं इसको खा के। तो फ्रेंड्स क्यों ना मैं भी इन्जॉय कर लूँ। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा आज का व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स आप भी ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करना, मस्ट मस्ट मस्ट, क्योंकि फ्रेंड ये है बहुत ज़्यादा यम्मी।